अंकल को कुछ लोग एंग्री मैन बोलते हैं। ये है कोलकाता का ऑथेंटिक नाश्ता जो जल रहा है ना, जो मजा आ रहा है। हमारे इंडिया में स्पाइसी खाना खा लो, ऐसी नींद खुलेगी, रात भर तक नींद नहीं आएगी। तो ये संदेश आपका है जो खाने आते हैं दूर दूर से, खाने आते हैं संदेश। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम मेजी बाजी, और अभी हम लोग बड़ा बाजार का आपको ब्रेकफास्ट दिखा रहे हैं। सुबह सुबह के 10 बजे और इतनी भीड़ लगी हुई है मेरे पीछे। सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया कोलकाता की वेरी फेमस क्लब कचौड़ी, आलू की सब्जी के साथ थोड़ा सा भुजिया, और बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर और खाएंगे। वीडियो एंड तक देखते रहो, आपको बहुत मजा आएगा। लेट्स बिगिन कोलकाता का ब्रेकफास्ट इन बड़ा बाजार। सुबह का टाइम है अभी, घड़ी में 10 बजे और इतना यहाँ पे रश है, इतना पसंद करते हैं लोग लाला छगानी जी की क्लब कचौड़ी बड़ा बाजार में। क्या क्लब कचौड़ी रहता है ये? हाँ, ये क्लब कचौड़ी है। एक्चुअली हम लोग दिल्ली से आए, थोड़ा बताएंगे क्या मतलब क्लब कचौड़ी का नाश्ता का क्या कैसे रहता है? क्लब कचौड़ी और जलेबी उड़द की दाल की कचौड़ी है ये। हाँ, जैसे पूरी सब्जी जैसे होता है वैसे? ना ना ना, वो नहीं है, वो नहीं है, ये उड़द की दाल की कचौड़ी है। हाँ, और इसको बोला जाता है क्लब कचौड़ी और जलेबी, और हम लोग शाम को बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा आलू चौक 3 से लेके 8 तक। और ये कचौड़ी कितने बजे? 12:30 तक। 12:30 सुबह कितने बजे से आप आते हैं? 7 बजे। क्या इसका प्राइस क्या रहता है इसका? 40 प्लेट, 10 पर पीस कचौड़ी, 10 पर पीस जलेबी। तो इसको आपको कितना समय हो गया इसको इधर लगाए? 50 इधर ही बड़ा बाजार में ही लगाते हैं? बिल्कुल। बहुत मतलब मैंने कोलकाता में पूछा था, अपने जो लोग देखते हैं वीडियोस कह रहे हैं आपकी कचौड़ी जरूर खानी है, वो जायका उनके टेस्ट पे चढ़ा हुआ है। ये है कोलकाता का ऑथेंटिक नाश्ता, क्लब कचौड़ी, आलू की सब्जी और भुजिया। भाई बहुत फेमस है, जैसे दिल्ली के छोले भटूरे, मुंबई का वड़ा पाव, वैसे कोलकाता की क्लब कचौड़ी है। छोटी छोटी सी पूड़ियाँ होती है जिसको कचौड़ी बोलते हैं, उड़द दाल की इसके अंदर स्टफिंग होता है, देख रहे हो अंदर पूरा वाइट है और पूरा मसाला डाला हुआ है। और इसको कैसे खाते हैं ऐसे? ये आलू की सब्जी, इसमें झाल थोड़ा ज़्यादा रहता है, झाल मतलब स्पाइसी, चटपटी रहती है, और भुजिया डाल के देते हैं। 10 का एक पीस, 40 की फुल प्लेट लगती है ये कोलकाता की क्लब कचौड़ी। लेट्स बिगिन। बाइट करा ना, पहला फ्लेवर आया एकदम, बहुत ही टेस्टी चटपटी स्पाइसी आलू की सब्जी का, जो तेल में लिबड़ी हुई है बहुत बढ़िया, उसमें तड़का कह लो जो भी कह लो वो लगा हुआ है। और फिर उसके बाद आपको आता है उड़द दाल की जो कचौड़ी है, कुछ लोग उसके जो डेंस फ्लेवर है वो आते हैं। देन आपको थोड़ा थोड़ा क्रंच आता है भुजिया का। सुबह सुबह का टाइम भी नहीं हुआ, 10 बजे और बड़ा बाजार में इतना रश लग चुका है, इतना रश। कोलकाता में ना कचौड़ी सब्जी बहुत फेमस है, क्लब कचौड़ी इसको बोलते हैं, स्पेशली क्लब कचौड़ी और सब्जी कोलकाता में बहुत फेमस है एज ब्रेकफास्ट। इस पर्टिकुलर जगह पे खजानी पे लोग खाने आते हैं दूर दूर से, दूर दूर से। अंकल को कुछ लोग एंग्री मैन बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। मेरा मानना है आओ कचौड़ी खाओ, जाओ यू विल बी हैप्पी, यू विल हैव अ गुड मील, अपने को खाने से मतलब है और खाना अच्छा है। चलो एक इनकी जलेबी लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे किसी और लोकेशन पे। ये हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी एक पीस जलेबी का भी आ गया, क्लब कचौड़ी और जलेबी, और ऐसा मस्त हो गया ना वो सब्ज़ी खा के। इसको ना मक्खी एरिया बोलते हैं, मतलब दाढ़ी जो लोग रखते हैं ना उनको पता होगा, जो जल रहा है ना, जो मज़ा आ रहा है। भाई सुबह की मॉर्निंग कॉफ़ी वगैरह होगी विदेश की, हमारे इंडिया में स्पाइसी खाना खा लो, ऐसी नींद खुलेगी, रात भर तक नींद नहीं आएगी। भाई साहब क्रिस्पी क्रिस्पी जूसी जूसी टेस्टी जलेबी और स्पाइसी आलू की सब्ज़ी, मज़ेदार सी उड़द दाल की कचौड़ी और भुजिया, ये होता है ब्रेकफास्ट जिसको खाने के लिए मैं तो 1000 किलोमीटर दूर से आया हूँ। अब चलते हैं किसी और जगह पे, कुछ और खाना आपको दिखाते हैं, लास्ट बाइट जो बता के रखती। भाई वो कचौड़ी खाई लाली छगानी की, अब आ गए अपनी अगली जगह पे विश्व बंधु पे। ये समोसे का बैच निकल जाए, ये तो समोसे निकल गए गरम गरम, इसी बैच में से हम लोग खाएंगे। अभी जो दूसरा समोसे का बैच नया चढ़ रहा है ना, उसमें आपको दिखाएंगे कि इनके मसाले के अंदर क्या खास है। इनको बोलते हैं अदरक वाले समोसे, बड़े स्पेशल होते हैं, टेस्टी होते हैं। ये समोसे के मसाले में क्या क्या पड़ता है? सब कुछ मसाला है, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, हाँ, लौंग, दालचीनी, अदरक वगैरह सब पड़ता है। ऐसा मेरे को जो वीडियोस देखते हैं ना हमारे यहाँ पे कलकत्ता में, वो कह रहे थे आपके समोसे का ना अदरक का स्वाद बड़ा अच्छा आता है, तो उसको खाने का बड़ा मज़ा आता है। थोड़ा एक मसाला चखाएंगे हल्का सा, इतना सारा कलकत्ता के लोगों का प्यार। अरे खट्टा मीठा मसाला है, हाँ, और अदरक का वो रेशा आ रहा है,
पीस के दिया हुआ है, तो वो एकदम अच्छा टेस्ट आ रहा है अदरक का। एक किलो आलू में 60 ग्राम अदरक काफ़ी ज़्यादा होता है मात्रा, वो उसी का फिर टेस्ट निकल के आता है ना। ये देखो भाई, समोसे की सिकाई हो गई है। अच्छा, अभी उनसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जब ये ख़त्म होने को होगा तब दूसरा वाला बैच जाएगा, ताकि जो भी आए खाए उसको एकदम गरम गरम समोसे मिले। भाई नाश्ते में बिस्व बंधु के समोसे, हमें 3 या 4 समोसे दे दीजिए। और वो क्या है? गुलाब संदेश। तो आप ऐसे करिए, एक पत्ता बना देंगे, उसमें 3 ये समोसे डाल दीजिए, एक गुलाब संदेश डाल दीजिए, और ये क्या है, काला जामुन? नहीं, गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन है तो चलता है। बढ़िया संदेश आपका है, जो खाने आते हैं दूर दूर से खाने आते हैं संदेश। ऐसे ही लेके चले जाते हैं। चलो आओ, हम भी टेस्ट करते हैं। इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने बताया इनके गुलाब संदेश अच्छा। हाँ, तो मतलब किसी ने एक बार समोसा और गुलाब संदेश चख लिया तो वो भाई फिर लेके जाता है, घर वालों को खिलाता है, दूर देश लेके जाता है। अब हम भी खाते हैं और फिर अपना मन बनाते हैं पैक वैक करवाने का। चलो जी गाइस, ट्राई करते हैं विश्व बंधु का फेमस समोसा। ओ भाई, कह रहे 1 किलो आलू के अंदर कुछ 60 ग्राम के आसपास अदरक डालते हैं, पूरा कूट कूट के रेशे आते हैं। लेट्स टेस्ट। अगर मेरी बड़ा बाज़ार में दुकान हो ना, मैं रोज़ सुबह ये 2 समोसे खाऊं, चाय पीऊं और अपनी दुकान खोल के वो नहीं करूं। भाई क्या समोसा है यार, ये टेस्ट है, ये है बढ़िया सा टेस्ट कोलकाता का। देख रहे हो, और समोसे की सिकाई देखो, समोसे के अंदर का मसाला देखो, जस्ट लव दैट। देखने में नॉर्मल समोसा लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट, ये है बड़ा बाज़ार का टेस्ट। ये है गुलाब संदेश, विश्व बंधु का फेमस। और ये दिखाता हूँ आपको, पत्ते में देते हैं ऐसे निकाल के, ये देखो इतना नज़ाकत का टुकड़ा है, ये सिर्फ छेना है, ये छेना और मिठास। बहुत टेस्टी है, लाइक मज़ा आ गया खा के इसको, बहुत टेस्टी था। हम चलते हैं किसी और जगह पे, बड़ा बाज़ार का नाश्ता कंटिन्यू रखते हैं और खाना दिखाते हैं आपको। अभी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे, मेरी नज़र पड़ी इतने सारे अचार पे। कौन 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 से अचार हैं ये? तो मुरब्बे हैं सारे आज। ये बेर का मुरब्बा है, ये आमले का है, ये मिर्ची का, मोटी मिर्ची का अचार है, ये क्या है? मीठा आम है। मीठा आम है, और ये मिक्स फ्रूट है। मिक्स फ्रूट है का मुरब्बा है, या क्या है? खजूर है, आम है। तो ये किसके साथ खाते हैं, मतलब मीठा? ये पूड़ी के साथ, रोटी के साथ वैसे खाते हैं। और ये बेर का मीठा है, मीठा है। ये सारे अचार हो गए ना, ये लहसुन का हो गया, ये कटी मोटी मिर्च का, ये आम का हो गया, ये किसका है? नवरत्न है। अच्छा, 9 मिक्स होंगे उसमें अचार। ये और अचार है, ये और ये किसका है? लेसुआ। लेसुआ क्या होता है? अच्छा, और ये क्या है? आम का सुंदी है। इतने सारे अचार हैं, तो लोग आते जाते हैं ऐसे, ये खरीद के लेके जाते हैं, जितना चाहिए उस हिसाब से। ये एक टेस्ट करा देंगे क्या? क्या रुपए कैसे रेट रहता है, मतलब 160 से 280? ये क्या जगह, क्या पड़ते हैं ये? हस्पोकारिया, क्या पड़ता है? हस्पोकारिया 71 नंबर। 71 नंबर, क्या नाम क्या है आपका? हाँ, राशन शॉप है। अच्छा, मैं निकल के जा रहा था, मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई इतने सारे अचार वगैरह देख के। पापड़ भी है इनके पास, पापड़ भी अलग अलग टाइप के हैं। सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे मुंह से पानी आ रहा है बोलते बोलते। कुछ मेरे साथ में कुछ लिया होता ना, रोटी वोटी, तो उसके साथ अचार टेस्ट करता। अभी तो फ़िलहाल तो मेरे को घर जाना है, दिल्ली जाना है, तो मैं अचार से टेस्ट कर रहा हूँ। आप कोलकाता में हो, बड़ा बाज़ार का भी चक्कर लगे तो इनके पास बहुत सारी वैरायटी है, लेना और घर लेके जाना। कितना ये तो चलता होगा अच्छा खासा, कितना चलता है? 3-6 महीने तो चलता होगा, 6 महीने आराम से चलता है, गारंटी होता है उसका। हाँ, इसका भी, इसको टेस्ट करते हैं। क्या बताया था इसका नाम? लेसुआ। लेसुआ का अचार टेस्ट करता हूँ। अच्छा है, अच्छा सिर्फ अचार खाने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर आई कैन इमेजिन कि मम्मी अगर टिफ़िन बॉक्स में दे, अगर
कोलकाता में रहता होता तो टिफ़िन बॉक्स में लहसुआ का अचार लेके जाता और खिलाता, बड़ा बाज़ार से आता। बड़ा बाज़ार मार्केट बहुत सही है, वाइब्रेंसी है, देख रहे हो इतनी गलियाँ छोटी हो जाती हैं, यहाँ पे दो स्कूटी एक साथ आ जाए ना तो जाम लग जाता है। ऐसी मार्केट में ऐसी खाने की दुकानें ढूंढ ढूंढ के आपको वेजी वाजी में दिखाते हैं। सुबह से शाम हो गया ब्रेकफास्ट की वीडियो में, हम लोग शाम में क्यों हैं, क्योंकि 4 से 7 यहाँ पर लाइव बूंदी बनती है, सुबह भी खा सकते हो नाश्ते में, इसलिए ब्रेकफास्ट में डाल रहे हैं। मेरी शर्ट पूरी भीग चुकी है कोलकाता की ह्यूमिडिटी में, खाते हैं सेव बूंदी भाई, खून पसीने की मेहनत हो रही है लिटरली। यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दो, लेट्स बिगिन भाई। ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है ब्रेकफास्ट की वीडियो में, शाम का टाइम आ गया क्योंकि ये चीज़ फ्रेश एकदम शाम को बनती है काली गोदाम पे। बूंदी और सेव का चलन है, भुजिया का चलन है। अब देख रहे हो ये पूरा देसी घी की एक बड़ी सी तेल बोलो, वो क्या बोलते हैं, कढ़ाई बोलो या क्या बोलो, उसके अंदर बूंदी निकली जा रही है, पतला पतला बूंदी का दाना निकलता है। इतनी सारी बूंदी जो है, जब ये एक बहुत बड़े बैच में मतलब 10 किलो या ऐसे कुछ हो जाएगा, फिर ये चाशनी में डुबोई जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट निकल के फिर ये बूंदी आएगी। और इस बूंदी को लोग एक बार सेव दिखाना ज़रा, ये यहाँ पे चलन है कोलकाता में, ये सेव और ये बूंदी, इसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं बड़ा बाजार में काली गोदाम में। ये कितना किलो बूंदी होती है तो फिर ये चाशनी में जाती है, ये चाशनी में कितने किलो जाती है? अच्छा लड्डू बनता है तो ये वाला बूंदी अलग होता है वो, अच्छा ये पतला दाना है वो मोटे दाने का होता है। अच्छा तो ये सारा जो कार्यक्रम था ये लड्डू के लिए बन रहा है, और वो वाला भी ऐसे ही बनता है? चूहा का बनता है। अच्छा नहीं वो भी शाम को ही बनता है? हाँ अभी तो बंद हो गया, वो भी शाम को ही बनता है भाई साहब। पर एक चीज़ है, काली गोदाम में आप आओ बड़ा बाजार में शाम को बूंदी खाने आओ तो अपने रिस्क पे आना, पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। पार्किंग भाई को तो मिली नहीं, तो भाई तो बस स्कूटी के साथ खड़ा है, भाई कांट गो इनसाइड। मैंने ऐसी जगह पे स्कूटी लगाई है जहाँ पे कभी भी गायब हो सकती है स्कूटी। तो फटाफट अपनी बूंदी लेते हैं, बताना लेते हैं और चलते हैं। आई स्टैंड करेक्टेड, ये सब लड्डू के लिए बन रहा है, बट यही सेम प्रोसेस अभी घंटे पहले बूंदी सेव के लिए भी हो रहा था, तो मैं अपना वो लेता हूँ बूंदी और सेव। खाने के लिए सेव बूंदी कैसे होगा, कितना हो, कम से कम कैसे होगा? 44 रुपया। हाँ तो 24 रुपये के दो दे दीजिए। अभी ना हमारे एक दोस्त है जो बिल्कुल बड़ा बाजार के बाहर ही खड़े हुए हैं, उनके लिए हम लोगों ने पैक भी करवा लिया, गाड़ी अंदर लाना बड़ा मुश्किल का काम है। धन्यवाद। अभी देखते हैं मोमेंट ऑफ ट्रूथ, ये आ गया जी सेव बूंदिया, इसमें बूंदी और ये सेव, ये है काली गोदाम का फेमस जो आपको बड़ा बाजार में खाने को मिलता है। ब्रेकफास्ट की पूरी वीडियो दिखाई और मीठे में ये चीज़, लेट्स ईट। एकदम बढ़िया सी सीखी हुई बूंदी और सेव, हल्का हल्का सा डालते हैं ताकि बूंदी ज़्यादा है और सेव का क्रंच हल्का हल्का सा है। इसी से हम लोग ब्रेकफास्ट वीडियो को एंड करते हैं, मेरे को आई थिंक शर्ट चेंज करने की जरूरत है, कोलकाता में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। बात करेंगे किसी और वीडियो में कुछ और बढ़िया खाना खाते हुए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय काली गोदाम की सेव बूंदी।